सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज कौन सी डेट है? आज है 10th August 2021, और डे कौन सा है? डे है मंगलवार, ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मंगलवार कहते हैं, है ना। और मंगलवार को हमारी कौन सी क्लास होती है? मंगलवार को हमारी हिंदी की क्लास होती है। आज हम हिंदी में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया। जैसे जैसे आप लोग बड़े बड़े होते जा रहे हो, वैसे वैसे हमारे टॉपिक्स भी बढ़ते जा रहे हैं और टॉपिक्स भी बड़े होते जा रहे हैं। हमने पहले क्या किया? हमने पहले दो अक्षर वाले शब्द किए, फिर हमने तीन अक्षर वाले शब्द किए, है ना। फिर हमने क्या किया? चार अक्षर वाले शब्द किए। आज हम सीखेंगे मात्राएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मात्राएं क्या होती हैं, मात्राएं क्या होती हैं। तो मात्राएं हमारी स्वरों से आती है, स्वरों से। स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, ये सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं ना। स्वर को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉवल। और ये जो व्यंजन है, व्यंजन को हम क्या कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं ना, लेकिन हिंदी में हमारे बहुत सारे स्वर होते हैं। और इंग्लिश में हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में उससे ज़्यादा व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे मात्राएं। कौन सी मात्राएं सीखेंगे? अ और आ की मात्रा, अ आ की मात्रा, ठीक है। हमने जो ये अ है ना, अ की मात्रा हमने सीख भी ली और हमें पता भी नहीं चला। आपको पता है कि अ की क्या मात्रा होती? अ की मात्रा कुछ भी नहीं होती है, लेकिन जब ये किसी व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है ना, तो इसकी जो साउंड होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि जो वॉवल होता है, वॉवल हमने अभी तक कौन से सीखे हैं? ए वॉवल सीखा, आई वॉवल सीखा, है ना। जब वो हम कॉन्सोनेंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो उसकी क्या होती है? साउंड जो है चेंज हो जाती है। जैसे कि ए ट एट, दोनों को हमने ज्वाइन किया तो दोनों की साउंड क्या हो गई? चेंज हो गई, एट, है ना, एट, एट। तो वैसे ही ये जो अ की मात्रा है, वो दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, चार अक्षर वाले शब्दों में लगी होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। ये जो इसकी मात्रा होती है वो इनविजिबल होती है, जिसको दिखाई नहीं देती, हमको दिखाई नहीं देती है। जैसे कि हमने चार अक्षर वाले शब्द कौन से किए थे? अजगर, अ, ज, ग, र, लगी हुई है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। और हमने क्या किया था? अचकन, अ, च, क, न, अचकन। और हमने किया था शलगम, श, ल, ग, म, अ, अ। देखो साउंड आ रही है ना, साउंड आ रही है ना, लेकिन जो मात्राएं हैं वो दिखती नहीं है। तो बच्चों, ये हमने कर लिया है, हमें तो पता भी नहीं चला, और हमने अ की मात्रा कंप्लीट भी कर ली है, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर वाले शब्दों के साथ। अब हम इसके बाद वाला स्वर करेंगे। इसके बाद क्या आता है बताओ? यस, इसके बाद आता है छोटा आ के बाद बड़ा आ, अ आ, आ, अ आ। इसके बाद आता है आ। आज हम करेंगे इसके बारे में बात। आज हम सीखेंगे आ की मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा। आ से आम, आ से आग, सी आग, आकाश, आसमान। और हमारी क्लास में दो बच्चों के नाम आ से हैं, बताओ, आप लोग बताओ बच्चों किसके नाम है? यस, आश्वी, आयुष, है ना, आयुष, आश्वी। ये क्या है? बड़ा आ से शुरू होते हैं, है ना, देखा आपने। तो आज हम करेंगे आ की मात्रा, लेकिन इसके पहले बताओ कि हमारे स्कूल का क्या नाम है? हमारे स्कूल का नाम है राइजिंग स्टार, है ना, राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार को हम किंडर गार्टन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंडर गार्टन।
किंडर मतलब होता है चिल्ड्रेन, बच्चे, जैसे आप लोग बच्चे हो ना, किंडर मतलब चिल्ड्रेन और गार्टन मतलब गार्डन, गार्डन। तो चिल्ड्रेन गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं। क्या होते हैं? फूल होते हैं। गार्डन में बहुत तरह तरह के फूल होते हैं। आप लोग भी क्या हो? छोटे छोटे फूल हो, है ना? तो आज हम एक सॉन्ग गाएंगे, एक गाना गाएंगे, है ना, जिसका नाम है बगिया का फूल। गाना गाएंगे बगिया का फूल, ठीक है? तो चलो हम अपने गाने के साथ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैम क्या करने वाली है, इस सॉन्ग में बहुत सारे आ की मात्रा वाले शब्द बोलेंगी, और आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ये हमारी कौन सी स्किल है? लिसनिंग स्किल, है ना? एक स्किल होती है रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल। आप लोग राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छे से करते हो, और रीडिंग स्किल, बोलने वाली स्किल, जब आप रीड करते हो वो भी बहुत अच्छे से करते हो। तो आज हम करेंगे लिसनिंग स्किल। आज मैं देखूंगी कि आप लोग की लिसनिंग स्किल कितनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद आर सॉन्ग। शुरू करते हैं अपने गाने के साथ, बगिया का फूल। 1 2 3 स्टार्ट। हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। पापा भी आना, दादा भी आना, पापा भी आना, दादा भी आना, साथ में अपने बड़ा छाता भी लाना, साथ में अपने बड़ा छाता भी लाना। क्योंकि हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। नाना भी आना, दादा भी आना, नाना भी आना, दादा भी आना, साथ में अपने तबला और बाजा भी लाना, साथ में अपने तबला और बाजा भी लाना। हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। और बताओ बच्चों, किसको बुलाएं? चाचा भी आना, चाचा भी आना, मामा भी आना, साथ में अपने गाजर पालक भी लाना, साथ में अपने गाजर पालक भी लाना। क्योंकि हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। मम्मा भी आना, राजा को भी लाना, मम्मा भी आना, राजा को भी लाना, साथ में अपने माला भी लाना, साथ में अपने माला भी लाना। क्योंकि हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। और क्या आएगा? बादल भी आना, बादल भी आना, बरखा भी आना, बादल भी आना, बरखा भी आना, साथ में अपने हरा घास भी लाना, साथ में अपने हरा घास भी लाना। हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, हम नाचेंगे और गाएंगे। तो बच्चों, आई होप आप सबको ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको क्या करना है? आपको ये सॉन्ग ध्यान से सुनना है, और मैम ने जितने भी आ मात्रा वाले शब्द
आ साउंड वाले शब्द बोले हैं वो आपको बोलना है, ठीक है। आज का आपका पीडब्ल्यू है, आपको एक वीडियो बनानी है, जिसमें आपको आ मात्रा वाले शब्द बोलने हैं। और शब्द कहाँ से बोलने हैं, जो मैम ने अभी आपको एक गाना सुनाया ना, उसमें से शब्द बोलने हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको 10 वर्ड्स बोलने हैं, बहुत मैम ने बहुत सारे वर्ड्स बोले, उसमें से आपको कितने बोलने हैं, 10 वर्ड्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कि आपका पीडब्ल्यू क्या है। आई होप चिल्ड्रेन यू हैव लाइक्ड दिस। बच्चों थैंक यू एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड योर वीडियो, ठीक है, भूलना मत वीडियो सेंड करने का। और उसमें आपको बोलने हैं वर्ड्स, कितने वर्ड्स, 10 वर्ड्स। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।